कुमार यादव है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल में यूरिनरी प्रॉब्लम के लिए यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आया और वहाँ मैं डॉक्टर शफीक अहमद सर से मिला। उन्होंने मेरे सभी टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने पर मेरा पीएससी लेवल कुछ डिजायर लिमिट से ज़्यादा था। दूसरे टेस्ट करवाए गए, उससे डिटेक्ट हुआ कि मुझे कोई सर्जरी करवानी होगी। और सर्जरी के जब ऑप्शंस आए तो मुझे रोबोटिक सर्जरी बेस्ट लगी। मैंने डॉक्टर सर से रिक्वेस्ट की कि मुझे ये सर्जरी करवानी है। सर ने मुझे टाइम दिया और उसके बाद मेरी सर्जरी हुई। जो मुझे रिकवरी जो रोबोटिक सर्जरी से मिलना था, विद इन 4 to 5 days में मुझे कम्प्लीटली रिकवर हो गया। मैं उसके बाद जो है ना, मुझे आज तक जो भी ट्रीटमेंट मिला है उससे मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रीटमेंट हुआ है मेरा बेस्ट हुआ है। और आज मैं 3 महीने बाद जब कोई टेस्ट पीएससी लेवल लेके आया हूँ रिपोर्ट का, तो मुझे 0.009 मिला है। तो वो सर कह रहे हैं कि ये एक्सेलेंट है। तो मेरे विचार से इस सर्जरी की वजह से मुझे ये ट्रीटमेंट सही मिल पाया। विनय कुमार हमारे ओपीडी में जब पहली बार आए थे तो उनका लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम थे, यानी कि यूरिन के इश्यूज थे। उनको बार बार यूरिन आता था और जब हमने इन्वेस्टिगेशंस किया तो उसमें ये पाया कि उनका जो पीएसए लेवल था वो काफ़ी हाई था। उनका प्रोस्टेट का बायोप्सी किया गया जिसमें ये पाया गया कि उनको प्रोस्टेट का एक ट्यूमर या प्रोस्टेट कैंसर है, जिसके लिए हमने उनसे बात किया। तो पूरी डिस्कशन के बाद में उन्होंने सर्जरी को ऑप्ट किया। हमने उनकी सर्जरी रोबोटिक के थ्रू किया गया, जो कि की होल सर्जरी होती है, जिससे पूरा प्रोस्टेट को निकाला जाता है और यूरिन के ट्यूब को ब्लैडर के साथ में दोबारा से जोड़ा जाता है। ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। मरीज 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रुकता है और 3 दिन के बाद में हमने उनको डिस्चार्ज किया। और जब भी हमने उनको फॉलोअप किया, अभी वो बिल्कुल कैंसर मुक्त हैं। उनका जो फॉलोअप पीएसए है एब्सोल्युटली नॉन डिटेक्टेबल है। और सारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमारे एक रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टोमी या रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी में होते हैं, हमने अचीव किए हैं। और उनका बहुत ही अच्छा रिकवरी हुआ है एंड ही इज़ एब्सोल्युटली वेरी वेरी हैप्पी एंड कैंसर फ्री नाउ।